अभी हम लोग बात करने वाले एन कैप्सुलेशन के बारे में विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है एंड uh, काफी यूजफुल भी है अब जरा बात कर लेते हैं इस बारे में कि ये एनकैप्सुलेशन है क्या देखो यहाँ पर होने क्या वाला है द डेटा एंड द मेथड्स आर गोइंग टू बी बंडल्ड इन अ सिंगल यूनिट मतलब क्या होगा कि हम लोग डेटा लेंगे और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मेथड्स लेंगे मतलब हमारा ये जो डेटा है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा एंड वी विल नीड सम मेथड्स टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा राइट हम लोग इसे एग्जाम्पल के साथ में समझ लेंगे सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल पर डोट करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हाइड कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग आइडिया क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे अब जाहिर सी बात है कि वो वेरिएबल बन रहा है तो उसे एक्सेस किया जा सकता है राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं पहले एक काम करता हूं एनकैप्सुलेशन के बारे में लिख देता हूं थोड़ा सा ठीक है इन वी आर बंडलिंग द डेटा एंड द मेथड्स इन वन सिंगल यूनिट तो अब यहां पे होने क्या वाला है ये समझ लो बेसिकली हमारे पास में कोई डेटा होगा और उस डेटा का हमारे पास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा राइट right? Simple, there are some restrictions over that access of data, right? So, just we are having some data, right, which we cannot directly access, right? There are some restrictions, and we have some methods for accessing the data, right? सिंपल है मतलब क्या होगा आपको आइडिया आ गया होगा बेसिकली कि हमारे पास में कोई डेटा होगा जिसे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड देन वी विल हैव सम मेथड जो हमें मदद करेगी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए है ना सिंपल बात तो इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते ताकि इस चीज को इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा ओके okay? तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें हमारे पास में नंबर होगा एस डेटा ओके एंड उस नंबर को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे So we will there, एक काम करता हूँ मैं क्लास बना लेता हूँ नाम, okay? नाम रख देंगे हम लोग ठीक है इनिट बना लेते हैं पहले तो ठीक है लेट्स राइट इनिट और यहाँ पे आएगा सेल्फ ठीक है मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है दैट वुड भी एट फर्स्ट इनिशियलाइज टू जीरो जब भी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इज टू जीरोकेर कर लेते हैं एंड देखो जैसा कि मैंने आपको बताया उस डेटा का हमें एक्सेस नहीं रहेगा एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज समथिंग मतलब समझ लेते हैं कि मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर क्यू इस्तेमाल करेंगे देखो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो नंबर नाम का एक वेरिएबल भी रहेगा वहां पर फॉर दैट ऑब्जेक्ट

हम लोग उस नंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन राइट अब एक्सेस कर सकते हैं इसका मतलब वेरिएबल्स okay? को एक्सेस करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट राइट एंड लेट्स बुट ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर से रन करेंगे एंड वी विल फाइंड ये जो आंसर है अभी ट्वेंटी नाइन बन चुका है राइट right? So, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेस करने में उस पर्टिकुलर डेटा को राइट बट विदुलेशन हम लोग क्या करेंगे हम लोग डेटा को और उसके मेथड्स को बंडल कर देंगे सिंगल यूनिट राइट मतलब यहां पर क्या होगा आपके पास जो डेटा होगा आपके पास उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा मतलब जैसा चाहो वैसा आप एक्सेस नहीं कर सकते आपको किसी मेथड के थ्रू उसे एक्सेस करना पड़ेगा सो वी आर पुटिंग समर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेसुलर डेटा तो हम लोग अभी क्या करेंगे हम लोग ये जो वेरिएबल है ना ये, ये वाला वेरिए मॉडिफाई करनी पड़ेगी सो so यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले समथिंग कॉल्ड एज एन एक्सेस मॉडिफायर इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा अगर आपको आती है तो आपको ऑलरेडी पता होगा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में दिस काइंड हैव ऑलडी एंड पे पाइथन में आप लोग मतलब डायरेक्टली ऐसे पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट वगैरह चीजें नहीं कर सकते बट यहाँ पर अगर आप लोग आपके वेरिएबल के पहले एक अंडरस्कोर लगाते हो तो आपका वेरिएबल बन जाता है प्रोटेक्टेड और दो अंडरस्कोर लगाते हो तो आपका वेरिएबल बन जाता है प्राइवेट दैट्स इट और प्राइवेट वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल इस क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता इनफैक्ट मीन्स इस क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है द सब क्लासेस कैन एक्सेस इट ओके मतलब उस क्लास में किए जा सकते सब क्लास में किए जा सकते राइट सब क्लास मतलब नॉट सब क्लासेस हिंदी वाला सब नहीं इंग्लिश वाला सब तो सब क्लास में हम लोग प्रोटेक्टेड uh, वाली चीजें यूज कर सकते हैं राइट बट जब बात प्राइवेट की आती है तो आप लोग उस क्लास के बाहर भी उस वेरिएबल को जो प्राइवेट है उस डेटा मेंबर को जो प्राइवेट है उसे एक्सेस नहीं कर सकते एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने इस को अभी प्राइवेट बना लेते हैं अब हम लोग एक काम करते हैं let's try to access the underscore underscore number. Okay? अब क्योंकि ये बन चुका है, तो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट आउटसाइड से समझ लो दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज आउटसाइड क्लास यू जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट को हम लोग क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते राइट एंड इफ दू रन इट अगेन देखो वो तो बोल रहा है कि भाई देखो नंबर कंटेनर का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं underscore, underscore right? है लेट्स क्रिएट अड टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिक्यूलर नंबर राइट टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिक्युलर नंबर तो मैं सिंपली मैं इसको बोलूंगा गेट नंबर ओके गेट नंबर एंड ये यहां पे हम लोग उसको सेल्फ तो देंगे ठीक है एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सेल डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर नंबर दैट सेट ओके हो गया वी आर डन ओके सिंपल है ना अब देखो हम लोग इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है बट वी कैन डू समथिंग लाइक नंबर वन डॉट गेट नंबर दैट सेट राइट एंड नाउ वी आर एबल टू एक्सेस दैट तो हम लोग यहां पे सीधा लिखेंगे डेफ एंड विल राइट जस्ट द सेट नंबर दैट्स इट ओके और इसको भी सेल्फ देना है ओके okay? पर ना जरूरी नहीं है कि ये मेथड्स के जो नाम मैंने यहां पर लिखे गेट नंबर एंड सेट नंबर यू कैन राइट ऑन योर ओन ठीक है बट आई थिंक इसकी हमें पता भी तो चले कि ये मेथड्स कर क्या रही है तो हम उन्हें नाम भी वैसे ही दे देंगे ओके सो सेट नंबर क्या करेगा सेट नंबर विल सेट दैट नंबर वेरिएबल टू सम वैल्यू राइट तो हमें कोई वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी तो ये वैल्यू हम लोग दे देंगे इसको ओके एंड देन हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर underscore underscore है इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू दैट्स इट ओके नाउ लेट्स ट्राई रनिंग द प्रोग्राम अगेन बट दिस टाइम वी विल सेट ओके पहले देखो डायरेक्टली ऐसा करते थे हम लोग ऐसा राइट right? पहले ऐसा करते थे बट अब ऐसा नहीं करना है नाउ वी हैव टू डू समथिंग लाइक नंबर सेट नंबर और अभी उसे वैल्यू देनी पड़ेगी लेट्स गिव ट्वेंटी नाइन ओके okay? अब जब हम लोग गेट नंबर करेंगे देन वी विल गेट 29 ठीक है काम करते लेट्स रेप्लिकेट इट और ऊपर ले लेते इसको ओके okay? अब यहां पे ये क्या हो गया यहां पे बिफोर सेटिंग द नंबर एंड यहां पे आफ्टर सेटिंग द नंबर वी आर गेटिंग द नंबर ओके टर्मिनल को कर देते हैं साफ सीएलएस की मदद से ओके एंड लेट्स रन इट अगेन एंड नाउ यू कैन सी हम लोग यहां पे पहले जीरो देख पा रहे हैं जब वो ऑब्जेक्ट बना था एंड डन वी आर एबल टू सी ट्वेंटी नाइन क्योंकि हम लोगों ने कर दिया सेट। आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या है राइट right? बहुत सिंपल है मतलब वी आर नॉट डूंग मच हम लोग बस डेटा को और उस डेटा को एक्सेस करने वाले मेथड्स को मतलब जो मेथड हमें मदद करते हैं उन डेटा को एक्सेस करने के लिए उन मेथड्स को एक साथ बंडल कर रहे इन टू अलिट सिंपली वी आर राइटिंग सम क्लास देन कुछ डेटा होगा एंड उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होंगे राइट सिंपली वी हैव सम डेटा ओवर हियर एंड सम डेटा बिकॉज यू नॉट डायरेक्टली डू दैट अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो बैंक में अकाउंट होता है राइट अब उस अकाउंट से एसोसिएटेड कुछ डेटा भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम हो सकता है अकाउंट होल्डर का नाम राइट देन देर कैन बी ब्रांच देर कैन बी फोन नंबर देर कैन बी ई एड्रेस असोसिएटेड टू दैट एप्लीकेंट राइट और देर कैन ऑल्सो बी द अकाउंट बैलेंस समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब देखो अकाउंट अगर एक ऑब्जेक्ट है राइट right? अकाउंट अगर एक ऑब्जेक्ट है देर इज अ लॉट ऑफ डेटा एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट राइट क्योंकि देखो, object, right? मैं दूसरा बनाता हूं, तो ये जो नंबर होगा दैट वुड बी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब मान लो मैं यहां पे आपका करके ही बता देता हूं ठीक है इफ नंबर करेंगे ना ट जीरो अगेन जीरो मिला राइट right? बट अगर मैं करता हूं यहां पे इफ आई डू ओवर हियर समथिंग लाइक नंबर वन मैं यहां पे करता हूं तो मुझे यहां पे ट्वेंटी नाइन मिलेगा बिकॉज नंबर वन के लिए हम लोगों ने नंबर को सेट किया है टू ट्वेंटी बट नंबर टू के लिए इट इज स्टिल सेट टू जीरो सी राइट ये पहले था नंबर वन नंबर वन को हमने ट्वेंटी नाइन बना दिया बट नंबर टू इज स्टिल जीरो तो वहां पर वो इंडिविजुअल लेवल पे है राइट right? सो so, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो नंबर अलग अलग राइट right? अब जस्ट लेट से कि आपका अकाउंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है एंड अकाउंट बैलेंस जो है वो एक डेटा है एंड दैट डेटा बी एक्सेस डायरेक्टली तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से को समझ सकते हो ठीक है हमने बंडल किया हुआ है डेटा को और उसके एक्सेस करने वाले मेथड्स को मैंने थोड़ा सा आपको एक कैजुअल सा एग्जांपल लेके समझाया ताकि थोड़ा सा और हम लोग क्लैरिटी से इस चीज को समझ सके बट यू अगेन ट्राई टू एक्सप्लोर आप लोग पूरी तरह से और भी जगह से और भी एग्जाम्पल्स लेकर के ट्राई करो समझने का इनकेप्सुलेशन को काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल ये कंसेप्ट है मतलब यहां पर सिंपली क्या हो रहा है देर इज सम डेटा यू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली देर आर सम मेथड्स जो कि आपकी मदद करती है वो डेटा को एक्सेस करने में सो दिस वॉज अबाउट इनकेप्सुलेशन अगर आपको थोड़ी दिक्कत है इनकेप्सुलेशन समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एंड ट्राई टू फाइंड सम एग्जाम्पल्स ठीक है ट्राई टू सॉल्व सम एक्जाम्पल से रिलेटेड टू इट तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा